teacher, today we'll discuss about class 9 NCERT lesson lines and angles. This is part 22 video. In this video, we will discuss about example number 6. See the question. In the given figure, AB parallel to CD. यहाँ पर figure देख रहे हैं AB parallel to CD and CD parallel to EF. CD parallel to EF. Also, EA perpendicular to AB. यहाँ पर देखो ये EA perpendicular to AB. जब EA perpendicular to AB है तो ये angle A क्या हो जाएगा? 90 degree हो जाएगा. Okay? If angle BEF, angle BEF 55 degree, find the value of X, Y and Z. X, Y, Z की value find out करना है. Okay? तो देखो इस तरफ किस तरह सॉल्व करना है. ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो गिवन में क्या देख रहे हैं कि AB parallel to क्या है यहाँ पर CD है and CD parallel to क्या है यहाँ पर EF है. EF है. ओके जब AB CD को पैरेलल है और CD EF को सो AB EF को मतलब ये तीनों लाइंस एक दूसरे को क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे. तो मैं यहाँ पर लिख लेता है therefore AB parallel to CD parallel to EF. ओके अगेन हमें क्या देख रहे हैं यहाँ पर गिवन में ये एंगल बी एफ 55 डिग्री. ओके तो ये भी लिख लेंगे एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री. ये पूरा हमें क्या यहाँ पर देख रहे हैं गिवन. ओके नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड. एक्स वाई और जेड फाइंड आउट करना है. अब सबसे पहले यहाँ पर देखो ये कि एबी पैरेलल टू क्या है सीडी है. एबी पैरेलल टू सीडी है तो यहाँ पर देखो लाइंस के ऊपर के ये एंगल्स एंगल वाई और एंगल ए ये कौन से एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल से. और जब दो पैरेलल लाइंस क्या है मतलब दो लाइंस पैरेलल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये एंगल्स और ये एंगल्स कैसे रहेंगे इक्वल रहेंगे क्योंकि ये लाइन के ऊपर है. यहाँ पर देखो ये एंगल्स और ये एंगल्स. ओके ये कौन से एंगल्स है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और लाइन भी पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे. सो यहाँ पर क्या होगा ए बी इफ ए बी पैरेलल टू सी डी ए. ओके इफ ए बी पैरेलल टू सी डी ए तो देयरफॉर एक्स और वाई ये कौन से एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे. सो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिखता है x इज इक्वल टू y ये आपके क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल से कौन से ये करस्पॉन्डिंग एंगल से. ओके मतलब यहाँ पर जब आप कोई भी y की वैल्यू निकालोगे या x की वैल्यू निकालोगे तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर सेम हो जाएंगी. अब यहाँ पर देखो सबसे पहले अब यहाँ पर देखो सी डी पैरेलल टू ई एफ है और यहाँ पर देखो ये ट्रांसवर्सल है. ओके और यहाँ पर कोई इंटरनल एंगल्स भी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो आल्सो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. अब यहाँ पर देखो सी डी पैरेलल टू ई एफ है इफ अगर सी डी पैरेलल टू ई एफ है और यहाँ पर बी ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल्स वाई और ये 55 डिग्री ये कौन से एंगल्स रहेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड. ओके मींस को इंटीरियर एंगल्स रहेंगे और को इंटीरियर कोइंसिडेंट एंगल्स का मतलब एडिशन कितना रहता है 180 डिग्री दे आर सप्लीमेंट्री रहता है. ओके तो यहाँ पर देखो अगेन वही लिखेंगे यहाँ पर इफ अगर इफ सी डी पैरेलल टू ई एफ है सी डी पैरेलल टू क्या है यहाँ पर ई एफ है. सो यहाँ पर देखो ये वाई और 55 डिग्री क्या होगा इसका मेजरमेंट 180 डिग्री होगा और दे आर कोइंसिडेंट एंगल्स होगा. ओके सो क्या होगा यहाँ पर देयरफॉर y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा. ओके इंटीरियर एंगल्स रीजन क्या रहेगा को इंटीरियर एंगल्स लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स और ये कैसे रहेगा उसका मेजरमेंट 180 डिग्री का. अब यहां से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो क्या होगा y इज इक्वल टू 180 डिग्री ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 55 डिग्री. सो यहाँ पर y की वैल्यू कितना मिलेगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री 125 डिग्री. आल्सो देयरफॉर अब y क्या है x को इक्वल है. ओके y x को इक्वल है तो क्या होगा देयरफॉर x इज इक्वल टू आल्सो 125 डिग्री ये
करस्पॉन्डिंग एंगल से। ओके नाउ अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, जेड फाइंड आउट करना है। ओके तो अब देखो यहां पर इफ ए बी एंड ई एफ, ओके ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल्स हैं, तो यहां पर जो एंगल ए और एंगल ये वाला ई एंगल, ओके ये क्या होगा आपका कोइंटेर एंगल्स होगा, और कोइंटेर एंगल्स का मेजरमेंट कितना रहता है, एडिशन करोगे तो उसका 180 डिग्री। तो सिमिलरली उसी तरह से लिखेंगे इफ इफ ए बी पैरेलल टू ई एफ, इफ ए बी पैरेलल टू ई एफ सो एंगल ए प्लस एंगल ई ओके इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। सो यहां पर एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। ओके नाउ ये ऐसे अब देखो एंगल ए का मेजरमेंट कितना है यहां पर 90 डिग्री बिकॉज ए ई परपेंडिकुलर टू ए बी, सो वैल्यू पुट अप कर देंगे यहां पर ए की वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, ए की वैल्यू कितना है 90 डिग्री है प्लस ई का क्या है एंगल जेड प्लस 55 डिग्री, तो जेड प्लस ये 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो 90 डिग्री प्लस ये कितना है 55 डिग्री, तो ये कितना होगा 145 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके अब मैं जब लिखता हूं इसको तो क्या होगा जेड इक्वल टू कितना मिलेगा 180 डिग्री, ये जस्ट शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 145 डिग्री। सो जेड इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, सो जेड इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री कितना होगा ये 35 डिग्री होगा। तो जेड की वैल्यू हमें कितने मिली यहाँ पर 35 डिग्री। ओके तो यहाँ पर हमें एक्स की भी वैल्यू मिली, जेड की भी वैल्यू मिली, और सॉरी एक्स की वाई की और जेड की भी वैल्यू मिल गई। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना मिला यहाँ पर 125 डिग्री, आल्सो वाई इक्वल टू 125 डिग्री एंड जेड इक्वल टू कितना मिला यहाँ पर हमें 35 डिग्री। ओके तो इस तरह से हमें यहाँ पर तीनों वैल्यू मिल गए एक्स वाई एंड जेड के। ओके बहुत ही सिंपल था, यहाँ पर आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी याद रखना था कि अगर दो पैरेलल लाइंस है तो उसके को इंटीरियर एंगल्स मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड उसका मेजरमेंट कितना रहता है सप्लीमेंट्री मतलब वो 180 डिग्री का, दे आर सप्लीमेंट्री। सो वही अप्लाई करके यहाँ पर इसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना था। ओके सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।